हाय, दिस इज मनीष शर्मा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक शॉर्ट कवरिंग रैली हमें देखने को मिल सकती है, एक ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिल सकता है, एक हॉल्ट कैंडल हमें देखने को मिल सकता है। मैंने एग्जैक्टली लास्ट वीडियो में यही बताया था और आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक हॉल्ट कैंडल देखने को मिला, एक ग्रीन कैंडल देखने को मिला। फ्राइडे को मैंने निफ्टी में पुट सेल का भी ट्रेड दिया था, उसमें भी काफी अच्छा पैसा आया। अब हम लोग एनालिसिस करते हैं मंडे को क्या क्या लेवल्स पॉसिबल है। सो ये निफ्टी का डेली चार्ट है, निफ्टी ने परफेक्ट डबल टॉप पैटर्न बनाया है। अब अगर इसको डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना है, लेट्स से आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इसको डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना है, तो सबसे पहले इसको एक लोअर हाई फॉर्म करना पड़ेगा चार्ट पर। अब ध्यान से समझना मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अगर ये यहाँ पर कहीं पर 15,000 के आसपास एक लोअर हाई बनाता है और उसके बाद फॉल चालू होता है और ये लो ब्रेक करता है, तो यहाँ पर एक परफेक्ट प्राइस एक्शन बन जाएगा, लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 15,000 का जो एरिया है 14,950, 15,000, ये काफी अच्छा लेवल होगा शॉर्ट करने के लिए। अगर आपको शॉर्ट पोजीशंस बनाना है, 15,000 का लेवल काफी अच्छा रहेगा शॉर्ट करने के लिए। 15,000 लेवल पे डायरेक्टली आप शॉर्ट मत करना, थोड़ा पैटर्न फॉर्मेशन होने का वेट करना, रेड कैंडल फॉर्म होना चाहिए 15,000 के आसपास, तभी हम लोग इसमें शॉर्ट की तरफ ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। अभी फिलहाल आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, हो सकता है मंडे का सेशन भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव हमें देखने को मिले। 14,950 तक के लेवल्स भी हमें निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। 15,000 के आसपास काफी अच्छा शॉर्ट रहेगा निफ्टी। अगर इसको डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो हायर चांसेस है कि ये 15,000 के आसपास हाई बना के वापस फॉल कंटिन्यू कर सकता है। तो मंडे के सेशन के लिए आपको थोड़ा बहुत पॉजिटिव व्यू लेकर ट्रेड करना पड़ेगा, थोड़ा बुलिश साइड आपको ट्रेड करना पड़ेगा। और 14,950 के आसपास आपको प्रॉफिट बुक करने पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 15,000 का जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। और 15,000 के लेवल पे अगर कोई नेगेटिव फॉर्मेशन बनता है तो हम लोग शॉर्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे। बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर निफ्टी के स्ट्रक्चर से काफी ज्यादा वीक है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने तो ऑलरेडी लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन चालू कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो हाई है और ये जो हाई है ये ऑलरेडी लोअर हाई है, ये जो लो है और ये जो यहाँ पर लो बना है ये ऑलरेडी लोअर लो है। तो यहाँ पर क्लीन एंड क्लियर लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन चालू हो चुका है डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी में। अब जो हाई बना सकता है वो 35,200-35,300 के आसपास बना सकता है। अगर इसको डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो ये 35,500 का लेवल क्रॉस नहीं करेगा, उसके पहले ही 35,200-35,300 के आसपास स्टॉप बना के वापस फॉल कंटिन्यू कर सकता है। सो अगर इसको डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो ये इस तरीके का पैटर्न बना सकता है। सो 35,200-35,300 के आसपास आपको शॉर्ट पोजीशंस बनाना चाहिए, 35,500 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और पोजिशनली एक बैंक निफ्टी में काफी अच्छा शॉर्ट ट्रेड बन सकता है। लेकिन मंडे के सेशन के लिए बात करें तो मंडे के सेशन के लिए मुझे मार्केट थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है और मुझे लगता है एक और ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिल सकता है और बैंक निफ्टी में भी 700-800 पॉइंट की रैली हमें इजीली देखने को मिल सकती है। तो आपको मंडे के लिए थोड़ा बुलिश साइड होकर ट्रेड करना पड़ेगा। अगर हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे भी लेवल्स चेक करें तो 34,800 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 15 मिनट के चार्ट पे। अगर वो क्रॉस कर लेता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है 35,400 के आसपास। तो आप देख सकते हो एग्जैक्टली लेवल्स कैसे मैच हो रहा है डेली चार्ट पे भी और 15 मिनट के चार्ट पे भी। तो 34,800 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, 35,400 उसके बाद एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, 35,500 बहुत क्रूशियल लेवल होगा। अगर 35,500 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो थोड़ा ट्रेंड रिवर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अदरवाइज 35,500 का लेवल अगर क्रॉस नहीं करता है तो हायर चांसेस है बैंक निफ्टी इसी लेवल के आसपास कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस ले सकता है और वापस फॉल कंटिन्यू कर सकता है। तो मंडे के लिए आपको थोड़ा पॉजिटिव होना पड़ेगा क्योंकि अभी जो ये बड़ा फॉल हुआ था उसका रिट्रेस कर रहा है, तो पॉसिबल है मंडे को भी हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकता है, एक पॉजिटिव क्लोजिंग हमें देखने को मिल सकती है। निफ्टी में भी अगर आप देखो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है 15,070 के आसपास, तो 15,050-15,070 ये काफी अच्छा एरिया है शॉर्ट करने के लिए। अगर ये लेवल के आसपास कुछ भी नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो डेफिनेटली आपको शॉर्ट की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन अभी करंट मार्केट प्राइस है 200-250 पॉइंट ऊपर है वो लेवल, तो आपको मंडे के लिए थोड़ा बाइंग की तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और पोजिशनल जितने भी ट्रेडर्स हैं उनको वेट करना पड़ेगा शॉर्ट करने के लिए। करंट जो प्राइस रेंज है यहाँ पर आपको शॉर्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। 15,050-15,070 ये काफी अच्छा एरिया है शॉर्ट करने के लिए निफ्टी में। आई होप आपको डेली चार्ट और 15 मिनट चार्ट एनालिसिस समझ में आया होगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। आई होप आपको लेवल्स भी समझ में आए होंगे। तो आपको जो लेवल्स मैंने बताए हैं उसके हिसाब से ट्रेड प्लान करना है। और अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।